ये भाजपा का भ्रम है, भाजपा सिर्फ डर की राजनीति करके जो है लोगों को अपने खेमे में ला रही है। प्यार मोहब्बत में कोई नहीं जा रहा, जो भी जा रहा है वहाँ जाके खामोश होके बैठने का काम कर रहा है। हिंदू मुस्लिम का नारा कि हिंदू मुस्लिम झूठ बोल रहा हो, मुझे शर्म आनी चाहिए। नमस्कार सिटी में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ काशिफ सुल्तान और मेरे कैमरामैन मुनीश ने जो तस्वीरें आपको दिखाई हैं वह कांग्रेस कार्यालय की। अब कुछ लोगों से हम यहाँ बात करेंगे। ये भीड़ यहाँ जमा है क्योंकि हरीश रावत जी के पुत्र वीरेंद्र रावत जी को लोकसभा हरिद्वार का कांग्रेस से टिकट फाइनल हो चुका है और वे अपने पूरे लाव लश्कर के साथ यहाँ के लिए चल चुके हैं। थोड़ी ही देर में वो पहुँचने वाले हैं मंगलौर। उससे पहले हम कुछ लोगों से बात करते हैं। सर बताइए, एक प्रोग्राम क्या है, किस तरह का है सब? देखिए, कांग्रेस पार्टी का ये प्रोग्राम है। माननीय हरीश रावत जी के जो बेटे हैं वीरेंद्र रावत जी, उनको टिकट हुआ है कांग्रेस से, तो उन्हीं के स्वागत समारोह के लिए हम यहाँ पे काज नियाबंद साहब की जो टीम है, कांग्रेस पार्टी की जो टीम है, वो उनके स्वागत के लिए यहाँ पे बैठी है। बेसब्री से बहुत टाइम से इंतज़ार कर रही है उनका, बहुत उत्सुक है और बहुत खुश है। और हम सभी कार्यकर्ताओं में, सभी कांग्रेस पार्टी के जितने भी लोग हैं, सब में बहुत जोश है और हमारी दिली ख्वाहिश पूरी हो गई है कि वीरेंद्र रावत जी को टिकट हो गया, तो हम बहुत उत्साह हैं। और इस पर्व जो ये चुनाव का पर्व चल रहा है, इसको बहुत अच्छे से मनाने के इच्छुक हैं। और काजी निजामुद्दीन साहब की जो टीम है उसमें एक अलग ही जोश है, अलग ही खुशी का माहौल है और बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं, तमाम लोग यहाँ पे बैठे हैं और इतने ही लोग, इससे कई गुना ज़्यादा लोग नारसन बॉर्डर पर लेने पहुँचे हैं काजी निजामुद्दीन साहब के साथ। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा, टिकट देने में कांग्रेस ने जो लेट किया है, जो देरी हुई है, क्या उससे नुकसान होगा पार्टी को कुछ? देखिए, पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा, वो इसलिए क्योंकि हम लोगों को सब पता था कि हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी को टिकट होना है, क्योंकि वो हमारे एक ऐसे लीडर हैं, वही जो पूर्व मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र रावत सिंह जी, उनकी टक्कर ले सकते हैं और इंशाल्लाह जीतेंगे भी। और हमारे काजी जी हैं, काजी जी के हम साथ हैं, काजी जी की पूरी टीम काजी के साथ है। हजारों की तादाद में नारसन बॉर्डर पर हम लोग थे, मैं भी वहीं से आया हूं और सम्मान समारोह उनका हो रहा है, खुशी उल्लास है लोगों के दिलों में। बस हमें ऐसा लगता है कि हम इंशाल्लाह जीतेंगे, इंशाल्लाह। और देखिए, देरी वहाँ होती है जहाँ डिमांड ज़्यादा होती है, यानी कि हमारी पार्टी की, हमारे टिकट की डिमांड ज़्यादा है और लोगों में, नेताओं में उत्साह है टिकट लेने का। फिर भी जो पार्टी ने निर्णय लिया है, बहुत अच्छा निर्णय लिया है और सभी खुश हैं उस निर्णय के साथ। लेकिन इस देरी का एक नुकसान ये भी है कि भाजपा जो एक अपना कैंडिडेट घोषित कर चुकी है और वो तैयारियां भी कर चुकी हैं, और हरीश रावत जी की गैर मौजूदगी में बहुत सारे कांग्रेसी भाजपा में शामिल हो गए हैं, उस पर क्या कहोगे आप? ये तो देखिए, चुनाव में चलता ही रहता है, कुछ लोग इधर जाते हैं, कुछ लोग इधर जाते हैं। इससे हमारी हमारे जो संसदीय क्षेत्र है, हमारा लोकसभा क्षेत्र है, उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि कांग्रेस की आप अगर यहाँ लगाए तो ज़्यादातर विधायक इस लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के ही हैं और सब में बहुत उत्साह है, बहुत जोश है। अभी आप देखेंगे कितना तगड़ा हुजूम आ रहा है, शायद जो बीजेपी के जो प्रत्याशी थे उनका हुजूम फेल हो चुका है इस हुजूम के आगे। अच्छा, ये हुजूम वोट बैंक वोट में तब्दील हो पाएगा, है उम्मीद ऐसी? 1%, मैं तो कहता हूँ 200%, और एक तरफा कांग्रेस की जीत हो रही है, एक तरफा। आप कुछ कहेंगे इन चीज़ों के बारे में जो चल रही हैं, हरीश रावत जी की गैर मौजूदगी में जो पार्टी के एक सिटिंग MLA भी पार्टी छोड़ चुके हैं, भाजपा में शामिल हो गए हैं, कि आपको नहीं लगता देर हो गई है, पार्टी ने बहुत देर की है टिकट देने में? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हरीश रावत जी कम से कम 1.5 साल से मेहनत कर रहे हैं, वो पहले से ही नॉमिनेट थे इस काम के लिए, ये तो खाम खाम वहाँ है विपक्ष की, पहले से ही तैयार था चुनाव लड़ने के लिए और आज टिकट उन्हीं को हो गया है। तो आपको लगता है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ता और जीतेंगे, जीतेंगे। हरीश रावत जी के बेटे को टिकट हो गया है लेकिन बहुत लेट हुआ है, ये आपको नहीं लगता इससे कुछ नुकसान होगा कांग्रेस पार्टी को? कोई नुकसान नहीं हुआ, ये तो कांग्रेस की परंपरा है पहले से ही, टिकट लेट देने की, लेट देने की पहले से परंपरा, ये परंपरा चलती रहेगी? ये तो चलती रहोगी। मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे कि एक सिटिंग MLA भी भाजपा के साथ जाकर मिल गए जो हरीश रावत जी के करीबी माने जाते थे, क्या आपको नहीं लगता हरीश रावत जी के ना रहने से उत्तराखंड में ये नुकसान हुआ है? ये नुकसान इसलिए ना रहा,
वो वॉशिंग मशीन लगा रखी बीजेपी ने, मतलब यहाँ से तो ईडी भ्रष्टाचार भ्रष्ट आदमी, और जहाँ वॉशिंग मशीन में निकला वो मतलब साफ सुथरा आ जाएगा, वॉशिंग भेजा वो साफ है। तो इन लोगों की मजबूरी हो, ये पिक्चर ईडी लगा रहे तो फिर क्या करेंगे, और माच दौगा आदमी क्या करेगा, और बताओ आप ही क्या करेगा। यानी मजबूरी में लोग भाजपा को ज्वाइन कर रहे हैं, भाजपा क्योंकि उनके पीछे मजबूरी में कर रहे हैं बिल्कुल। तो इसका तो कुछ ना कुछ असर तो पड़ेगा ही ना, यहाँ हरिद्वार पड़ने का, कांग्रेस और ज्यादा मजबूत हो रही इस बात से। कैसे मजबूत होगी जब पुराने कार्यकर्ता साथ छोड़ जाएंगे? पुराने कार्यकर्ता ऐसा कुछ नहीं है, एक कार्यकर्ता जाने से 10 कार्यकर्ता पैदा हो जा, कोई असर नहीं पड़ता। टिकट में देरी होने की वजह से जो जमीनी स्तर पे काम करने वाले कार्यकर्ता हैं उन पे निराशा का माहौल देखा जा रहा था। हम लोग जाते थे ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टिंग करते थे तो लगता था कि कार्यकर्ता निराश हैं। तो उन चीज़ों को देखते हुए मैं कह रहा हूँ कि जो टिकट में देरी हुई है इस वजह से भाजपा कहीं ना कहीं आगे पहुँच गई है। हम भी जमीनी नेता ही, हम ना तो कागज के नेता ना मंच के नेता, हम जमीनी नेता। और आपको बताना है जमीन का जो नेता हो वो सबसे मजबूत होता हो, हमारे यहाँ तो कोई निराशा नहीं है, मतलब उमंग है बहुत बड़ी। ये सभी को मालूम था कि भाई रावत का या रावत के लड़का टिकट होना, सबको पता है इस बात का, इसमें कोई सस्पेंस नहीं था। तो यानी टक्कर जो रहेगी वो भाजपा से ही रहेगी या जो एक निर्दलीय विधायक खानपुर हैं उमेश कुमार जी उनसे? ये कुछ नहीं, ये तो दो दिन के वैसे ही नेता हो चंगो मंगो, ये कुछ नहीं, टक्कर जो हो मतलब कांग्रेस और बीजेपी की रहोगी। यानी जो हमेशा की परंपरा रही है कांग्रेस बीजेपी वही टक्कर में है? वही टक्कर में रहोगी। और हमारा पलड़ा भारी है, हम तो टक्कर भी नहीं मानते त्रिवेंद्र के साथ, हमारी पार्टी जीत में रहोगी बिल्कुल मजबूत हो। और जो जमीनी काम हो वो तो पहले कर चुके, मतलब करते ही आ रहे, उसमें कोई उसकी बात नहीं है, मतलब कमी आई उसमें कोई कमी नहीं आई बिल्कुल। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं बचा है, किसके नाम को आगे करें इसलिए टिकट नहीं दे पा रही है, किसे टिकट दें किसे न दें, ऐसा भी कुछ है? कांग्रेस के पास इतने नेता हैं कि अगर आप काउंटिंग करना तो काउंटिंग भी नहीं करने के एक घंटे में, इतने नेता हैं। भाजपा का तो काम ही झूठ बोलना, जो प्राइम मिनिस्टर है अपनी गरिमा का भी ध्यान नहीं, मतलब उससे ज़्यादा झूठ बोल लगा कौन बोल लगा? जनधन के लोगों पर गरीब आदमियों पर खाते खुलवा दिए, 15 लाख आया किसी पर, 15 रुपये आए किसी पर? तो मैं तो झूठ बोलने का काम उनका, हमारे यहाँ पार्टी में ऐसा नहीं चलता। यानी आप मान के चल रहे हैं कि कांग्रेस पूरी तरह से मजबूत है और जीतने की स्थिति? पूरी आपके कहने के मुताबिक भी 50 गुना ज़्यादा मजबूत हम कांग्रेस पार्टी, और जीतेगी उसके भरोसे कह रहे हैं जीतेगी, और जीत देख रही फिलहाल देख रही, आप काफिले को देख लिया आज ही, मतलब इलेक्शन में आ गया काफिला तो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, लेकिन क्या ये वोट में बदल पाता है? बात यह है वोट में बदल उसमें क्या करें भाई जी, मतलब कहने का ये जो ईएम आपकी इसमें मतलब गड़बड़ हो तो यही क्या करें फिर, नहीं तो अगर आज बैलेट से हो तो बैलेट से कहीं भी कांग्रेस नहीं हारती, कहीं भी कांग्रेस। एक बात बताओ आप, एक पूर्व विधायक और उसने मतलब कहने का चुनाव लड़ा मध्य प्रदेश में है जी, उसने कहा भाई मुझे किसी ने भी विधानसभा में वोट नहीं दिया, मेरे गांव ने दिया गांव ने भी नहीं दिया, मेरे परिवार ने दिया परिवार ने भी नहीं दिया, भाई मेरी मिसिज ने दिया उनने भी नहीं दिया, यार कम से कम मेरा तो मतलब माहौल लगी, तो इससे ज़्यादा और क्या मतलब होगा जी, मतलब 00 निकली उसकी क्या? यानी ये ईवीएम का घपला एक तरह से आप? ईवीएम का घपला, हाँ ईवीएम का घपला। तो अब आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि कांग्रेस का कैंडिडेट लोकसभा हरिद्वार को जीतने जा रहा? जीत रहा जी, जीतने जा रहा नहीं, जीत रहा बिल्कुल, बहुत मजबूती के साथ, कहीं बिल्कुल किसी भी बात की कमी नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिल रहा है और आप यहां देख सकते हैं मंगलौर के अंदर किस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठे होकर हरीश रावत जी और उनके बेटे वीरेंद्र रावत के स्वागत में नारे भी लगा रहे हैं। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस जो इलेक्शन लड़ेगी क्या मुद्दे रहेंगे?
ऐसा मुद्दे तो बहुत है कांग्रेस के पास, ऐसा नहीं कि नया मुद्दा कुछ है, लेकिन हम जो है हमारी जो है जो लड़ाई रहेगी वो सरकार से ही रहेगी। बेरोजगारी बहुत है हमारे यहाँ, और ऐसा नहीं जो तिरुवनंतपुरम सरकार ये इसकी रही है या जो धामी सरकार है, बिल्कुल फेल सरकार है। इसमें जो है हम मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं इस बार, और कांग्रेस को ये हजूम बता रहा है कि इस बार बहुत ज़्यादा वोटों से इस बार हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी दिल्ली पहुँचने वाले हैं। अच्छा, मुझे एक बात ये बताइए, युवा, आप युवा नेता हैं, आप युवा नेता हैं, युवाओं के मन में इस बार क्या है, क्योंकि बहुत सारे युवा उमेश कुमार जी के साथ भी चले गए। ऐसा नहीं है कि उमेश कुमार के साथ है, उमेश कुमार के साथ ऐसे युवा नहीं, युवा जो है अपनी बेरोजगारी लेकर और जो है पढ़ाई को लेकर अपनी नौकरी को लेकर बहुत परेशान है, और उनका मानना है कि इस बार जो नौकरी देने की सरकार है वो कांग्रेसी सरकार है। कांग्रेस के लिए राहुल गांधी जी ने जो गारंटी दी, आपको क्या लगता है? नहीं, राहुल गांधी की जो 5 गारंटी है निश्चित रूप से उस पर कार्य होगा, और कांग्रेस पार्टी ने जब भी कोई वादा किया है उसको पूरा करने का काम किया है। हम लोग भाजपा की तरह नहीं है कि वादा करते हैं कि 15 लाख आएंगे, आज तक नहीं पता। और दूसरे क्या हुआ कि रेट डाल के इन लोगों ने जो है लोगों से चंदा लेने का काम किया, सब जनता देख रही है। और बहुत सारे मुद्दे हैं, जो आपने मुद्दे की बात की, महंगाई है, बेरोजगारी है, हमारे उत्तराखंड में अंकिता भंडारी कांड है जिसको आज तक न्याय नहीं मिला है, तो बहुत सारे मुद्दे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। युवा की सोच क्या है आज के वक्त में? मैं पार्टी की बात नहीं करूँगा, सिर्फ युवा की सोच को लेकर। अभी युवा की सोच तो देखो, अभी युवा सोच रहा है कि सरकार जो अच्छा काम करे, और बीजेपी सरकार अच्छा काम बिल्कुल नहीं करे। युवा चाह रहा है कि इस बार जो है कांग्रेस की सरकार है, और देश का जो है ये युवा चाह रहा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने सर। आप अच्छा, अभी 2 इलेक्शन जो हुए हैं 14 और 19 के, उसमें सारी सीटें क्लियरली 5 की 5 उत्तराखंड की सीटें भाजपा के खाते में गई हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा? सारी सीटें 2 इलेक्शन में 14 और 19 में, 2014-2019 में सभी सीटें बीजेपी के खाते में गई है। बीजेपी ने लोगों को गुमराह करने का काम किया था, उनको कहा गया था कि आपके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, आपको 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, तो इस बहकावे में लोग बाग आ गए और 2 बार जो सरकार को चुनने का काम किया, और अब इन 10 सालों के अंदर क्या दुर्गति इस देश की होने जा रही है देखी, लोगों ने देख लिए, तो निश्चित रूप से मतदाता जो भी चाहे युवा हो बुजुर्ग हो सब लोग कांग्रेस तरफ लौटने का काम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ये देखने में आ रही है कि बहुत सारे लोग कांग्रेस से बीजेपी में जा रहे हैं, तो बीजेपी का जो प्रचार है वो ये है कि कांग्रेस की नैया डूब चुकी है, और चूंकि भाजपा अच्छे काम करती है इसलिए लोग भाजपा के साथ आना पसंद कर रहे हैं। ये भाजपा का भ्रम है, भाजपा सिर्फ डर की राजनीति करके जो है लोग अपने खेमे में ला रही है, प्यार मोहब्बत में कोई नहीं जा रहा, जो भी जा रहा है वहाँ जाके खामोश होकर बैठने का काम कर रहा है। अच्छा, नासिर जी ने जो कहा, आप सहमत है? बिल्कुल पूरे सहमत है जी, डर के अलावा और कोई काम नहीं किसी को, पूरे सहमत है। मतलब डर की राजनीति भाजपा कर रही है? डर के झूठ बोल रहा हो, हिंदू मुस्लिम का वादा कि हिंदू मुस्लिम झूठ बोल रहा हो, मुझे सलाम आनी चाहिए। यानी आप लोग कह रहे हैं कि बहका कर, डरा कर, झूठ बोलकर भाजपा कांग्रेसियों को अपने खेमे में ला रही है? नहीं, कांग्रेस को नहीं, सभी को, जो भी विपक्ष का काम कर रहा है, जो विपक्ष में उन सबको लाने का काम कर रही है। अभी हमारे यहाँ से राजेंद्र भंडारी गई हैं, जो बद्रीनाथ से विधायक के विधानसभा के सीटिंग एमएलए थे, उनको लेके गए हैं, उनके ऊपर कितना प्रेशर था, उनकी बीवी जो है जिला पंचायत की अध्यक्ष थी, कितना भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर उनके ऊपर जो है दबाव बनाया गया जिससे वो गए और वहाँ जाके वो परेशान है, तो ये सब जनता देख रही है। ऐसा नहीं है, कांग्रेस का समय आने वाला समय कांग्रेस का, निश्चित रूप से कांग्रेस की जीत होने जा रही है। यानी आप लोग पूरी तरह आश्वस्त हैं हरिद्वार लोकसभा सीट को लेकर के कांग्रेस के खाते में? हरिद्वार ही नहीं, इंशाल्लाह उम्मीद ये करते हैं कि लोकसभा 5 की 5 सीटें हम जीतने का काम करेंगे। 5 की 5 सीटें, चलिए ठीक है, धन्यवाद। नहीं आंधी है उत्तराखंड का गांधी है, हरीश नहीं है आंधी है उत्तराखंड का गांधी है, हरीश रावत जिंदाबाद, हरीश रावत जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा, हरीश रावत जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। जी, प्रोग्राम के बारे में, आज जो है कांग्रेस के हमारे जो प्रत्याशी हैं वो हरीश रावत जी हों या वीरेंद्र रावत जी हों, जो भी हमारे प्रत्याशी हैं आज वो मैदान में आ रहे हैं, और ये आप काफिला देख रहे हैं कितना जबरदस्त लोग अंदर उत्साह है, और कांग्रेस आने वाला समय कांग्रेस का है। ये पूरा जो भी हजूम है यहाँ से लेके और गुरुकुल नारसन तक जो काफिला ही काफिला है वो ये दर्शाता है कि आने वाला समय कांग्रेस का है, और निश्चित रूप से कांग्रेस इस सीट पे विजय करने जा रही है। अच्छा, आपको नहीं लगता है जो लेट हुआ है इसका कुछ नुकसान होगा? नहीं नहीं, कि ये होता रहता है, ये पार्टियों में अक्सर होता है, ये पहले भी ऐसा हुआ है, ये ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि हालात देश के क्या है, लोगों ने जो फैसला लेना है देश के हालात के बदौलत फैसला लेना है, टिकट लेट सवेर होते रहते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसका एक नुकसान उत्तराखंड की राजनीति में देखने को मिल रहा है कि एक सिटिंग एमएलए तक भी छोड़ गए हैं, बहुत सारे साथ छोड़ गए जो हरीश रावत जी के करीबी होते थे। ये एक सीजन होता है जब चुनाव कोई भी आता है, चाहे विधानसभा का चुनाव चाहे लोकसभा का चुनाव, तो बहुत से लोग आते हैं जाते रहते हैं, ये चलता रहता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, एक नाम आ रहा था उमेश कुमार जी का, जो खानपुर से निर्दलीय विधायक है और वो भी लड़ रहे हैं इलेक्शन, तो सुनने में आ रहा था उनको भी टिकट हो सकता है, वो भी लिस्ट में थे क्या पहले? नहीं नहीं नहीं, ये सब बेकार की बात है, ये मीडिया का एक जो है र्यूमर है मीडिया की तरफ से, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं था किसी के पास, बहुत बड़ी टीम है, बहुत लोग कार्य करता है, और
कांग्रेस के कार्यकर्ता ही यहाँ पर लड़ाई लड़ेंगे। भाजपा के प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना था कांग्रेस के पास कोई चेहरा ही नहीं, इसलिए फाइनल नहीं कर पा रहे। अब ये चेहरा आ गया ना हरीश रावत, आ तो रहे, ये दिखाई दे गया उनको, यानी ये पहले से तय था कि टिकट जो होना है रावत जी को होना है या उनके बेटे को किसी। रावत जी को ही टिकट है, कांग्रेस को टिकट है, कांग्रेस का टिकट है। प्रत्येक कार्यकर्ता जो हरीश रावत बनकर काम करने का काम करेगा इस हरिद्वार लोकसभा सीट पर, और निश्चित रूप से कांग्रेस की जीत होगी।